नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। फेसर पंचायत के मुखिया मीना देवी और इनके प्रतिनिधि रवि कुमार दोनों की ओर से भारत की 74वें गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी के महान पर्व के शुभ अवसर पर पूरे फेसर सभी पंचायत वासियों, प्रखंड वासियों, जिले वासियों और पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और देश के बॉर्डर पर तैनात वीर सपूतों को सत सत नमन और सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और पूरे देशवासियों को उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बताते चले कि फेसर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि रवि कुमार के द्वारा पंचायत में विकास के कार्य तीव्र गति से की जा रही है। साथ ही साथ 26 जनवरी को पंचायत सचिवालय में झंडोत्तोलन का कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाने का निर्णय लिया गया है। इस ध्वजारोहण पर सभी पंचायत के ग्रामीण जनता उपस्थित रहेंगे। निवेदक फेसर पंचायत मुखिया मीना देवी और प्रतिनिधि रवि कुमार। मेरे तरफ से बसंत पंचमी एवं 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को, प्रखंड वासियों को, जिला वासियों को, पंचायत वासियों को एवं सभी बॉर्डर पे खड़े सैनिक भाइयों को बधाई देता हूं, नमन करता हूं। आप लोग की वजह से, सभी देश के जितने नौजवान हैं सभी की वजह से आज हम लोग इतने सुरक्षित और सहज महसूस करते हैं। तो मेरा मानना है कि मैं हमेशा पहले भी कहते आया हूं, मैं अपने पंचायत के लिए 24 घंटा काम करता हूं और कई योजना मैं धरातल पर काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा हूं। जितना भी GPDP का योजना है, मनरेगा का योजना है, मैं काफ़ी तेज़ी से कर रहा हूं। काफ़ी ऐसे मैनेजमेंट भी मैं कर रहा हूं। तो मैं पुनः एक बार फिर सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि जिस तरह से पहले मुझे चुनाव के पहले लोग प्यार और दुलार देते थे और आशीर्वाद दिए हैं, उसी तरह से आज भी मुझे सहयोग करते हैं और मैं एक एक किए हुए वादों को मैं एक एक करके मैं पूरा कर रहा हूँ, काफ़ी तेज़ी से पूरा कर रहा हूँ। चाहे वो फेसर महथा में छठ घाट का निर्माण हो, पेवर ब्लॉक का हो, नाली का हो, अभी 7-8 जगह मेरा काम लगा हुआ है। पहले भी कई योजनाओं को मैंने कर लोगों को सुविधा पहुँचाया है। मनरेगा के भी कभी होने वाले महत्वपूर्ण जितने भी करहा का काम है, जिससे किसान काफ़ी लाभान्वित हुए हैं, मैं सारे योजनाओं को काम किया हूँ और कर रहा हूँ। और मेरा यही मानना है कि मैं हमेशा जनता के लिए सुख दुख में हमेशा मेरा प्रयास रहता है, 24 घंटा उनके लिए काम करूँ।